डेमन स्लेयर स्पोर्ट्समैन विलेज मूवी एक मूवी नहीं बल्कि एक टोटल स्कैम है, ये बात तो तुम जानते ही होंगे, क्योंकि म्यूगन ट्रेन की तरह ये कोई प्रॉपर मूवी नहीं बल्कि 3 एपिसोड्स का कॉम्पाइलेशन होने वाला है, जिसमें हमें सीजन 2 के लास्ट 2 एपिसोड्स और सीजन 3 का पहला एपिसोड देखने को मिलने वाला है। तो इन्होंने सीधे मूवी के नाम पर यहाँ पर तुम्हारा काट दिया, पर एक चीज जो तुम्हारा नहीं काटेगी वो है सब्सक्राइब का बटन। तो अगर चैनल पर फिर लौट कर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, क्योंकि हम 100K के काफी ज्यादा करीब है। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि ये मूवी नहीं बल्कि 3 एपिसोड्स ही होने वाले हैं। तो क्या हमें ये एपिसोड्स देखने के लिए थिएटर में जाकर इसे देखना भी चाहिए? क्या ये वर्थ भी है? तो तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरे जैसे एनिमे फैन को जब पता चलता है कि हमें 3 एपिसोड्स वो भी डेमन स्लेयर के थिएटर्स में देखने को मिलने वाले हैं तो मैं तो जान ही वाला हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर एक चीज जो मुझे यहां पर कंसर्न करती है वो है खुद डेमन स्लेयर, यानी कि डेमन स्लेयर तुम कुछ भी कह लो पर एट दी एंड वो एक एनिमेटेड कंटेंट ही है, और इंडिया में तुम जानते ही हो एनिमेटेड कंटेंट को किस तरह से देखा जाता है, यानी कि काफी लोग कहेंगे कि ये बच्चों वाली ही चीज है। भले ही उस आदमी को तुम ये डेमन स्लेयर दिखा दो और ये देखने के बाद उसका मुंह पिछवाड़े की जगह पर चला जाए और पिछवाड़ा उसके मुंह की जगह पर चला आए, पर फिर भी वो कहेगा कि ये क्या बच्चों वाली चीज है। तो ये मुझे कंसर्निंग चीज लग रही थी, पर एक अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर इस मूवी को ए रेटिंग मिल चुकी है, यानी कि 18 साल के ऊपर के ही बच्चे इसे देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। 18 साल के ऊपर की कोई बच्चे होते भी है यार, मतलब जो भी हो इसका ये मतलब है हमें खून खराबे के साथ सब बड़ा बड़ा एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाला है, और इसमें कहा जा रहा है कि एक शावरिंग सीन भी है, यानी कि एक खूबसूरत महिला जो है वो नहाएगी, वो देखने के बाद ऑफकोर्स सब बड़ा हो जाएगा। मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस मूवी के लिए। तो और इसकी बुकिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है, तो तुम बुक कर सकते हो, और अगर मुंबई में रहते हो तो मेरे साथ ये मूवी को देख सकते हो PVR कुर्ला में। इसके बाद सुजुमे नो तोजी मारी की मूवी को हिंदी डब मिल रही है, और ये खुद वॉइस एक्टर ने कन्फर्म कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरा नाम जो है वो लो मत, क्योंकि अगर मैं उनका नाम लूंगा तो उनका जॉब जाएगा, और मैं नहीं चाहता उनका जॉब चला जाएंगे तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। पर हाँ, मूवी के रिलीज होने से पहले हमें एक हिंदी डब ट्रेलर देखने को मिल सकता है, और ये मूवी 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है इंडिया में। इसके बाद बोची द रॉक की एनिमे जो है वो अब क्रंचीरोल पर स्ट्रीम कर रही है, तुम उसे देख सकते हो। इसके बाद डॉक्टर स्टोन सीजन 3 अप्रैल 6 से शुरू होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और अगर तुम डॉक्टर स्टोन देखने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको इंग्लिश डब में देख लेना। हालांकि जापानीज बेटर है, पर अगर तुम्हें सबटाइटल्स की प्रॉब्लम हो रही है ना तो इंग्लिश डब में ही देख लो, क्योंकि डॉक्टर स्टोन की एनिमे में काफ़ी वो लोग साइंटिफिक चीज़ों को बताएंगे तो वो एक्सप्लेनेशन तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही मज़ा है। तो इंग्लिश डब देख लो, तुम्हें काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं नारुडो के बारे में, तो मेरी काफ़ी बातें नारुडो के वॉइस एक्टर से हो रही थी, और उन्होंने कहा है कि नारुडो की डबिंग जो है उसकी प्रोसेस ने थोड़ी पेस पकड़ ली है, यानी कि पहले ये लोग शायद से दिन के आधे आधे घंटे के लिए ही डब करते थे, यानी कि पर वॉइस एक्टर की बात कर रहा हूँ, पर अब उन सबका काम 1 से 1.5 घंटा बढ़ चुका है, क्योंकि अब मे के टाइम पर नारुडो शायद से सोनी ये पर जल्दी आने वाला है, तो वो लोग फटाफट सारे एपिसोड्स को निपटा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग एक्सेट्रा में काफ़ी टाइम चला जाने वाला है। तो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें जल्द से जल्द नारुडो देखने को मिलने वाला है। पर नारुडो से पहले आप सभी के एग्जाम्स होंगे, तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और एक चीज़, आप सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, क्योंकि इसको दबाने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी। मैं आपसे मिलता है फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बस बाय, टाटा नमस्ते, सलाम एंड की वॉचिंग एंड ड्रैगो एक्स, बाय बाय।